हाय एवरीवन, दिस आसिफ रजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हमें फिर से आ चुका एक न्यू वीडियो के साथ। आज का ब्लॉग होने वाला है हमारा बालाजी टेंपल के ऊपर। और जो लोग भी मुझे पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, जो लोग भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, लोगों को पता होगा कि मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ बालाजी के ऊपर। कुछ रीजन थे जिसकी वजह से मैं आज फिर से आया हूँ यहाँ पर ब्लॉग बनाने। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि मेरे पिछले वाले जितने वीडियोस थे उसमें वाटरमार्क आता था, जैसा कि आप लोगों को पता है। और दूसरा रीज़न ये है कि मेरे साथ दीपक भी आया है, जो कि आज से ब्लॉगिंग करेगा। तो उसने मुझे कहा कि चल हम दोनों साथ में एक बालाजी के ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो चलो चलते वीडियो बनाते हैं और देखते क्या होता है। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, मैं यहाँ पर इंट्रो बना रहा था तो मुझे अंकल मिले और इनका भी चैनल है, हमारा आसामी चैनल है। हमारा चैनल के नाम अपोहा का है, आसामीज कॉमेडी वीडियो। अंकल कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं आसामीज में, तो जो लोग भी आसाम से उन लोग जाके एक बार विजिट करो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सब कर दो। तो गाइस, अभी हम लोग रोड के पार आ चुके हैं और यहाँ से थोड़ा सा आगे में जैसे आप लोगों को वहाँ दिख रहा होगा, तो अभी जाते हैं। और काफ़ी ज़्यादा धूप दे रहा है, ठंड के टाइम में भी इतना ज़्यादा धूप। तो गाइस, ये रहा फ्रंट साइड से इसका व्यू। अभी अंदर जाते हैं और दिखाता हूँ आप लोगों को। सो गाइस, एंटर करते के साथ यहाँ आप लोगों को एक गणेश मंदिर देखने को मिलेगा, ये वाला। और इसके साइड में एक गार्डन है जो कि अभी फिलहाल के लिए बंद करके रखा है ये लोग। तो गाइस, अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं और अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा दे रहा है, लग ही नहीं रहा कि ठंड का टाइम है। तो अभी यहाँ थोड़ा रेस्ट लेते हैं, पानी वानी पीते हैं, उसके बाद वीडियो बनाएंगे। इंतजार में हम लोग रुके तो आज वीडियो नहीं बना पाएंगे। हम लोग को आज दो वीडियो बनाना है, पहला ये बालाजी का और शाम में दिवाली का। तो गाइस, आज दिवाली है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको हैप्पी दिवाली। और आज हम लोग को दो वीडियो बनाना है, जैसा कि मैंने अभी बोला। अभी हम लोग बनाएंगे बालाजी का, उसके बाद हम लोग शाम में जाएंगे दिवाली का बनाने। बालाजी का ब्लॉग पता नहीं मैं कब अपलोड करूँगा, शायद से छठ पूजा के बाद अपलोड करूँगा क्योंकि अभी बहुत सारा वीडियो है। पहले मैं दिवाली का अपलोड करूँगा, उसके बाद छठ पूजा, उसके बाद ये बालाजी। सो लेट्स गो, देखते क्या होता है। मैं आप लोगों को इस जगह को अच्छे से दिखाता हूँ सिनेमेटिक में और आप लोग इन्जॉय करो। इन टेंपल्स का डिज़ाइन साउथ इंडियन टेंपल जैसा है, जैसा कि आप लोगों ने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी वगैरह में देखा होगा। और इसका पूरा नाम है पूर्वा त्रिपाठी श्री बालाजी टेंपल और इसे 1998 में बनाया गया था। गाइस, अभी फिलहाल के लिए इस टेंपल के अंदर जाना बंद है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो हम लोग आगे वाले टेम्पल में जाते हैं और आप लोग को दिखाता हूँ। तो गाइस, यहाँ से एंट्रेंस जैसा कि आप लोग देख सकते हो और इसके लेफ्ट साइड में है लड्डू का दुकान जो कि काफ़ी फेमस है। और अगर आप लोग यहां आते हो तो एक बार ज़रूर से ट्राई कर लेना इसे। और इसके राइट साइड में ऐसा कुछ बना हुआ है जहां आप लोग अपना सू वगैरह रख सकते हो, वो भी सिर्फ एक रुपए में। बस यहाँ पर वीडियो करना अलाउ नहीं है, पर जितना पॉसिबल हुआ मैंने आप लोगों को दिखाया। और अभी हम लोग फिलहाल है पूरा पीछे में, यहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है इसलिए हम लोग वीडियो कर रहे हैं। बाकी बालाजी टेंपल का जो मेन व्यू है वो यही है, पर यहाँ पर वीडियो करना ही अलाउ नहीं है। भी जितना हो सका मैं आप लोगों को दिखाया। तो अब यहाँ से बाहर निकलते हैं और आगे आप लोगों को दिखाता हूँ और क्या क्या है। हम लोग अभी बाहर आ चुके हैं और ये मेन मंदिर, यहाँ वीडियो करना अलाउ नहीं है। बाकी आप लोग बाहर में जितना फोटो वीडियो कुछ भी कर सकते हो। बस अभी हम लोग आ गए पार्किंग एरिया में जहाँ पर आप लोग अपना गाड़ी पार्क कर सकते हो। ये है पूरा इसका पार्किंग एरिया और मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ पार्क करने का कितना चार्ज लेता है यहाँ पर। तो गाइस, ये देखिए आप लोग यहाँ पर लिखा है एनी व्हीकल पार्क बिलो 8 PM विल बी चार्ज 2000 रुपीज़। अगर आप 8 बजे से पहले गाड़ी लगाते हो वो फ्री होगा, पर 8 बजे रात के बाद अगर फोर व्हीलर लगाते हो तो उसका 2000 लेगा और अगर टू व्हीलर लगाओगे 8 बजे के बाद तो उसका 1000।
तो मैंने बता दिया। तो वैसे मैं यहाँ पर फोटो लूंगा और आप लोग टाइम लैप्स देखो। तो वैसे ये टेंपल जो आप देख सकते हो ये हमेशा बंद ही रहता है, पता नहीं कब खुलता है। मैं एक बार भी नहीं गया इसके अंदर और अभी भी जाने नहीं दे रहा ये लोग। तो वैसे हम लोगों ने फ़ोटो ले लिया है और आप लोगों को ये सब फ़ोटो देखना होगा तो जाओ मेरे इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर सब मैं अपलोड करूँगा। और इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो जाओ जाकर फॉलो करो मुझे। और शायद से अभी हम लोग घर जाएंगे क्योंकि हम लोग का काम ख़त्म हो चुका है। इसने भी आज से चैनल खोल लिया तो जाओ जाकर इसके भी चैनल को विज़िट करो। क्या नाम है चैनल का, क्या नाम रखा है? दीपक जे। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाओ जाकर इसको सपोर्ट करो, इसका वीडियोस देखो और सब्सक्राइब करो। और धूप में वीडियो बनाते बनाते पूरा मेरा स्किन जल रहा है पर फिर भी वीडियो बनाना था। तो अभी हम लोग घर जाएंगे, उसके बाद शाम को दिवाली का ब्लॉग बनाएंगे। तो इसे मैं छठ के बाद अपलोड करूँगा और दिवाली का ब्लॉग आप लोगों को 2-3 दिन में देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा दे, शेयर करें। तो गाइस, मैंने आउटरो तो दे दिया पर हम लोगों ने थंबनेल के लिए अभी तक फ़ोटो लिया ही नहीं है। हर बार ऐसा होता है कि मैं ब्लॉग बना के घर चला जाता हूँ तब मुझे याद पड़ता है कि मैंने थंबनेल के लिए फ़ोटो लिया ही नहीं है। तो अभी यहाँ पर सोच रहे हैं हम लोग लेने का फ़ोटो, तो अभी लेते हैं और उसके बाद जाएंगे हम लोग घर। आज का होने वाला नया लगाते हो तो आपको फ्री होगा। अबे रुकना, मैं बोल रहा हूँ ना। और कुछ लोग यहाँ ये सब भी करने आते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। माइक्रोफोन चेक, मेक इट अ माइक्रोफोन चेक, गिव इट अ माइक्रोफोन, आई मेक द मेक इट अ माइक्रोफोन डेड, डोंट स्टेप टू मी न्यूबी, आई कैन ट्रूली बी मूडी, आई कुड हैव प्लेड द फकिंग ग्रिंच इन द मूवीज, आई बीन अ पार्ट टाइम शैडो कैट, पार्ट टाइम, दैट इज नॉट अ गाय दैट आई वुड एवर वांट टू ट्राई टू बैटल रैप।